फ्रेंड्स, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत हुआ अभिनंदन है। फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रेन से काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन भैया देखने को मिलता है कि यदि आप कहीं लॉन्ग टूर में जाते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे यात्रा करते हैं, तो आपको प्री प्लानिंग करना पड़ता है, पहले से टिकट बुकिंग करना पड़ता है। और यदि कभी शादियों का माहौल है या फिर त्यौहार का माहौल है, तो ऐसे में तो आपको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही टिकट ओपनिंग होता है, तैसे उसके बाद से ही बुकिंग चालू हो जाता है, और लगभग कुछ दिनों के अंदर में ही या फिर सेम डे को भी बुकिंग हो जाता है। अब ऐसे में अगर आपको अचानक से यात्रा करना पड़ रहा है और आपको किसी एक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करना है और उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, तो मैं आपको आज के इस नए वीडियो में बताऊंगा कि उस ट्रेन में ही कंफर्म टिकट आप बुकिंग करके किस तरीके से यात्रा कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक यात्रा कर सकते हैं। पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यदि आप भी जानना और लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस मत करना, अन्यथा आपसे भी चूक हो सकती है भैया और कन्फर्म टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। यदि आप भी जानना और लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हम गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको टाइप कर लूँगा यहाँ पे IRCTC। जी हाँ फ्रेंड्स, IRCTC का लॉगिन पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से बता देता हूँ, आप मोबाइल फ़ोन में भी सेम चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन में सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि उज्जैन। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए कि आपको अहमदाबाद से मऊ जाना है, तो अहमदाबाद से मऊ का डिस्टेंस काफ़ी लंबा है और इसमें ट्रेन का टिकट है वो जल्दी आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा ही मैं रूट एक सेलेक्ट करता हूँ जो कि काफ़ी बिजी होता है। अब यहाँ पे डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं बाद का डेट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, 2-3 महीने बाद का है, जिससे कि आपको पता चले यहाँ भैया सही में टिकट नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं एक 25 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, 26 तारीख कर लेता हूँ। देखिए, अब उसके बाद से मैं सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रहा है। देखिए, स्लीपर में सर्च करके दिखा देता हूँ, स्लीपर में ज़्यादा वेटिंग होता है, तो इसलिए मैं स्लीपर का दिखा देता हूँ। देखिए, स्लीपर में 141 वेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आपको यात्रा करना है, अचानक से जाना पड़ रहा है, अब इतना ज़्यादा वेटिंग है, तो अब आपको क्या करना है। मैं इसी ट्रेन में आपको कंफर्म टिकट भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा एक ट्रिक, जिसके माध्यम से आप इसे अगर आजमाएंगे तो भैया आपका जो भी यात्रा है वो सफलतापूर्वक सक्सेस भी हो सकती है। तो देखिए, ये 26 अप्रैल में 141 वेटिंग है और इनको जाना ही जाना है और इसी ट्रेन से जाना है। तो इसके लिए अब इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इनका पूरा रूट देख लेना है कि ये किस किस रूट से आपकी ये वाली ट्रेन जा रही है। तो अब आपको करना क्या है कि पूरे लास्ट स्टेशन से पहले आपको सर्च करना है, एक एक करके भी सर्च करना पड़ सकता है कि कहाँ तक आपको खाली सीट मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इनका जो बीच का डेस्टिनेशन होता है वो उज्जैन भी पड़ता है, तो ये एक काम करेंगे, ये उज्जैन यहाँ पे एंटर कर लेंगे, यानी कि इस सेम डेट में इस सेम ट्रेन में इनको उज्जैन उतरना है, ऐसा ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे उज्जैन हमने सर्च कर लिया है और उसके बाद से मॉडिफाई सर्च करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे उज्जैन के लिए तो काफ़ी सारी ट्रेन है, लेकिन इसी वाली ट्रेन में हम देखेंगे, नंबर आप मैच करा लेना, सेम डेट को मैं दिखा रहा हूँ। ये ट्रिक ज़रूर आप आजमाना और बताना कि कितना सक्सेस हुए हो आप। देखिए, यहाँ पे इस वाली ट्रेन में हम सर्च कर रहे थे, तो अब यहाँ पे स्लीपर में ही मैं दिखाऊंगा, स्लीपर में देखिए खाली है सीट, तो और इसी डेट में सेम डेट में खाली है, 10 सीट खाली है, यानी कि आपको उज्जैन तक की व्यवस्था हो चुकी है। इसके बाद तक भी आपको व्यवस्था करना है, तो भैया एक एक करके देख सकते हो कि कहाँ तक खाली है। अब यानी कि उज्जैन के बाद आपको क्या करना है, अब उज्जैन यानी आधे रास्ते आप पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जिस भी स्टेशन पे आप जा रहे हो टिकट बुकिंग करके, कंफर्म टिकट आपको मिल गया जो कि नहीं मिल रहा था, उस ट्रेन में उस स्टेशन से बाद में ये वाली ट्रेन कब चालू हो रही है। तो भैया ऑफिशियली जितना स्टॉपेज होगा उसके बाद ही चालू होगी, तो यहाँ पे स्टॉपेज इनका केवल 5 मिनट का, यानी कि 17:10 या 15 मिनट पे यहाँ से रनिंग हो जाएगी। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। उज्जैन तो आप पहुँच गए सेम डेट में सेम टाइम पे, अब यहाँ पे आपको उज्जैन से अब जहाँ जाने वाले थे वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, जैसे कि मऊ मैंने दिखाया था शुरू में, आप देख सकते हैं इस वीडियो को बैक करके,
तो मऊ में सेम डेट को कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम गाड़ी में ही जाना है। अब उसके बाद से मॉडिफाई सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब काफ़ी सारी ट्रेनें दिख जाएंगी, जितनी भी वहाँ से चल रही होंगी सब दिख जाएंगी, लेकिन लेकिन आपको उसी ट्रेन में देखना है जिस ट्रेन में आप यात्रा करने वाले थे। तो देखिए ये 17:10 पे वहाँ पे थी, रुक रही थी, पहुँचा रही थी, बाकी 5 मिनट का इसका स्टॉपेज था, उसके बाद से ये गाड़ी चल दे रही है। अब ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से टिकट देखना है और स्लीपर का देख रहे हैं। देखिए 36 वेटिंग देखने को मिला है, कितना 36। अब इससे पहले आपको क्या देखने को मिला था भैया, बहुत ज़्यादा 141 वेटिंग था, यानी कि आप यात्रा ही नहीं कर पा रहे थे। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि केवल 36 हो चुका है, इससे कम भी हो जाता है कभी कभी, तो आपको आधा रास्ता जाएंगे, बाद में आधे रास्ते पे आपको फिर से आपको कंफर्म टिकट ही मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टुकड़ों में, यानी कि कम से कम एक ट्रेन में आपको जाना है, पूरा कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा, तो टुकड़ों में आप सीटें बुक करके यात्रा कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 141 तो कंफर्म होगा नहीं होगा कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन लगभग 36 है ये आपका कंफर्म हो जाएगा। और आपको काफ़ी देखने को भी मिलता है कि भैया आप यात्रा करते हो तो बाद में ट्रेन खाली हो जाती है बीच रास्ते में ही। तो अगर आपका मान लीजिए कि आपने आधे रास्ते पे ये ट्रेवल कर लिया कंफर्म टिकट से, बाद में आपको ऐसा लगता है कि भैया आपका टिकट किसी कारणवश रेयर केस में कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप टीटी को बोल के एक नया टिकट बनवा सकते हैं वेटिंग का, और उसी सीट पे जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भैया आप आपकी सीट है भी कि नहीं है, क्योंकि शुरू से तो आपकी ही सीट थी। यदि वहाँ से कोई पर्सन वहाँ पर आता नहीं है तो उस सीट में बैठता नहीं होता, और अक्सर देखने को मिलता है। हालाँकि कम आप देखेंगे, काफ़ी रिसर्च करेंगे तो आपको कन्फर्म टिकट भी मिल जाएगा और ये टिकट भी कन्फर्म हो जाएगा। तो अब आपको क्या है कि ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी ट्रेन में आप जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको बर्थ चेंज करना पड़े, आपको कोई भी हो सकता है किसी दूसरे डिब्बे में आपको टिकट आपका कन्फर्म हो जाए, तो केवल डिब्बा ही चेंज करना पड़ेगा। वो सेम स्टेशन से आप कर सकते हैं, जो कि 2-4-5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। अगर उस 2-4-5 मिनट में नहीं कर पाए तो हो सकता है अगले स्टेशन पर जा कर के आप कर पाएंगे, और इस तरीके से आप सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा ना तो डेफिनेटली अब आपको पता चल पाया होगा कि यदि आपको किसी ऐसे टाइम पे यात्रा करना पड़ रहा है जिस टाइम पे आपको वेटिंग की भरमार लगी हुई है, तो किस तरीके से आप स्टेशन चेंज करके कंफर्म टिकट ले सकते हैं और बाद में उस वेटिंग को भी कम कर सकते हैं, कम वेटिंग में टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि आपका कंफर्म भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को किसी भी पॉइंट को स्किप कर दिया इसलिए अभी भी डाउट्स आपका बना हुआ है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो, आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों साथ, फ्रेंड सर्किल में, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।